हेलो स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाई बाई क्वाड्रेटिक डिनोमिनेटर में अगर अपने पास बाई क्वाड्रेटिक हो तो हम उस तरह के इंटीग्रेशन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, कि भाई उसमें हमें पहला स्टेप क्या है और पहले स्टेप के बाद उसमें हमारे पास प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है जिससे वो क्वेश्चन हमारे पास एकदम हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें कि भाई हमारे पास फॉर्म कौन सी होती है, तो फॉर्म इन जनरल होती है एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस के एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स, कि भाई इस तरीके के हमारे पास इंटीग्रेशन होते हैं। मतलब ऊपर या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा या ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, भाई इन दोनों में से एक हमारे पास होगा। अब जैसे मान लो न्यूमरेटर में अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 है तो एक अलग केस हो गया, और न्यूमरेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वन के है तो एक अलग केस हो गया, कि भाई दो अलग अलग केस हमारे पास ये हो गए। अब पहला स्टेप तो दोनों में सेम ही है कि मल्टी डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विद एक्स स्क्वायर, कि भाई न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया तो ये हो गया 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के प्लस 1/x स्क्वायर। ठीक, ये तो हमारे पास ये हो गया। और अगर मैं इस वाले केस की बात करूं तो इस वाले केस में क्या होगा, 1 - 1/x स्क्वायर, ठीक, एक्स की पावर 4 प्लस के प्लस 1/x स्क्वायर डी एक्स। ठीक, अगर ये है तो ये हो जाएगा, अगर ये है तो ये हो जाएगा। अब बात आती है भाई, ये तो हो गया पहला स्टेप, बात आती है सर व्हाट इज़ द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, कि भाई इसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या है। अब देखो 1 + 1/x स्क्वायर डी एक्स के साथ है तो हमें ऐसे फंक्शन को टी मानना चाहिए कि जो ऊपर वाला कार्यक्रम है वो डी टी में आ जाए। ठीक, इसका मतलब अगर मैं इसके इंटीग्रेशन को, इसका 1 का इंटीग्रेशन क्या हो गया एक्स, और 1/x स्क्वायर का क्या हो गया -1/x, तो मैं अगर x - 1/x को टी मान लूँ तो हमारे पास इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो ये होगा, तो वो डी टी में आ जाएगा। भाई इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 1 + 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक, तो ऊपर तो मेरे पास हो गया बच्चों डी टी, ऊपर तो मेरे पास क्या हो गया डी टी, कि ऊपर आई हैव डी टी, ऊपर डी टी हो गया। अब आप कहोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का क्या करें। अब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर के लिए इस इक्वेशन का स्क्वायर कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 2, और प्लस के पहले से ही है, कि भाई टी स्क्वायर प्लस 2 और प्लस के अपने पास पहले से ही है। तो देखो ये हमारे पास डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक, भाई हमारे पास किस में चेंज हो गया डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक, और डी टी अपॉन क्वाड्रेटिक का हमें इंटीग्रेशन करना आता है, सही बात। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करूं कि भाई ये टाइप मेरे पास है, तो 1 - 1/x स्क्वायर न्यूमरेटर में है तो इसका इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स प्लस 1/x, ठीक एक्स प्लस 1/x को मैंने क्या मान लिया टी। अब एक्स प्लस 1/x को टी मान लिया तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 1 - 1/x स्क्वायर डी एक्स, दैट इज वॉट डी टी, कि हमारे पास ये डी टी हो गया। अब इसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया, सब्स्टिट्यूट करा तो ऊपर तो हो गया डी टी, ठीक, और यहाँ पे भाई इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, इसका अगर हम स्क्वायर करेंगे इस वाली इक्वेशन का तो एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये स्क्वायर होगा जब डिवाइड कर देंगे तो एक्स की पावर 4 की बजाय एक्स स्क्वायर होगा ये, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टू प्लस के, भाई क्या लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस टू प्लस के, और फिर वापस हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि भाई इसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या आना चाहिए। तो ये हमारे पास बच्चों क्वेश्चंस हैं कि नीचे अगर बाई क्वाड्रेटिक हो तो उस तरह के क्वेश्चंस को हम आखिर किस तरह से सॉल्व करते हैं, कि उनका इंटीग्रेशन निकालने का तरीका क्या है। ये तो बेसिक प्रिंसिपल मैंने आपको यहाँ पे समझाया, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भाई इसके ऊपर हमारे पास क्वेश्चंस आखिर किस तरीके के बनते हैं।
जैसे सपोज करिए अपने पास पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, मान लीजिए ये है, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स है, तो पहला काम तो मैंने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो उससे मेरे पास मिला क्या, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या मिला है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस सेवन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक, ये मेरे पास मिला। अब ऐसा करते हैं भाई, प्लस है तो एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को मैंने टी मान लिया, कि एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी मान लिया। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स को टी मान के अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहा हूँ, वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, दैट इज वॉट डी टी। तो ये पूरा कार्यक्रम किस में चला गया, डी टी में, ठीक। अब बात बचती है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का करें, इसका स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये हो गया टी स्क्वायर प्लस टू प्लस सेवन, तो टी स्क्वायर प्लस नाइन हो गया। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस नाइन, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन थ्री टेन इनवर्स टी बाई थ्री, और टी कितना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स अपॉन थ्री प्लस सी। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, दैट वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं इसी तरीके का कुछ। जैसे हमारे पास दे रखा है इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, सपोज करिए हमें दे रखा है, ठीक। अब एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स, अब यहाँ पे हमें क्या करना चाहिए, वही वापस पहला स्टेप, वन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को मैंने टी माना। अब एक्स प्लस वन अपॉन एक्स को टी माना, तो इसका डिफ्रेंशिएशन ये पूरा का पूरा ऊपर रखा है, तो ऊपर आ गया डी टी। इसको स्क्वायर करूंगा, अगर मैं एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, तो टी स्क्वायर माइनस टू प्लस वन कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस वन, कितना हो गया, टी स्क्वायर माइनस वन। तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस वन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, वन अपॉन टू एल एन टी माइनस वन अपॉन टी प्लस वन मॉड प्लस सी, ठीक। टी को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, तो ये हो गया वन बाई टू एल एन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी। अगर हम इसको समेट लें, हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये है वन अपॉन बाई क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन की भी, बाई क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन को हम आखिर किस तरीके से करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और करते हैं, चलिए हम इसमें, जैसे मान लीजिए हमें दे रखा है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस सिक्सटीन डी एक्स। अब देखो ये भी बाई क्वाड्रेटिक सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे वन और वो वन ना होके यहाँ पे फोर और सिक्सटीन है, यहाँ पे क्या है, फोर और सिक्सटीन। अब 4 और 16 है, तो पहला स्टेप तो हिसाब से वही रहेगा कि भाई एक्स स्क्वायर से इसको डिवाइड कर देते हैं। एक्स स्क्वायर से डिवाइड करा तो ये 1 प्लस 4 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक, और ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक। अब यहाँ पे हमेशा जो न्यूमरेटर में दे रखा है, इस तरह से टी माना जाए कि डी टी में शामिल हो जाए, तो 1 का इंटीग्रेशन हो गया x और इसका हो गया माइनस फोर बाई एक्स, ठीक। तो x माइनस फोर बाई एक्स को अगर मैंने t मान लिया, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होगा वो ऊपर वाले को dt में कर देगा, 1 प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू वॉट डी टी, सही बात। तो ये उसने dt में कर दिया, तो ये हमारे पास ऊपर वाला हो गया बच्चों क्या, dt। और नीचे वाले का क्या हुआ, इसका स्क्वायर कर लें, इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन अपॉन एक्स स्क्वायर
माइनस एट है ना भाई, माइनस टू ए बी माइनस एट इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर प्लस 16 अपॉन एक्स स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, टी स्क्वायर प्लस एट, कि भाई मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस एट। तो वॉट इज ए, ए इज टू रूट टू, तो ए इज टू रूट टू, तो वन अपॉन ए वन अपॉन टू रूट टू टेन इनवर्स टी कितना है, एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स अपॉन टू रूट टू प्लस सी। ये हमारे पास इसका क्वेश्चन आ गया, आंसर आ गया कि इसका आंसर हमारे पास क्या होगा। देखो ये बिल्कुल सिंपल टाइप के क्वेश्चंस हैं, ऐसा इसमें कोई ऊपर नीचे ज़्यादा बात नहीं है, बहुत ही सिंपल, वेरी वेरी सिंपल हम बोल सकते हैं। बस एक बार पकड़ में आनी चाहिए चीज़ की भाई हमारे पास क्या है, अदरवाइज कुछ इसमें ऐसा नहीं है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है जो बोर्ड में बहुत ही धांसू माना जाता है, मतलब ऐसा माना जाता है कि भैया ये कर लिया तो इंटीग्रेशन पूरा आ गया, जबकि ऐसी बात कुछ नहीं है, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ। जैसे दोस्तों यारों में भी ये बहुत चलता है कि भाई इसका इंटीग्रेशन बताओ, रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, वॉट शुड बी द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स। अब आपको कहो सर रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स का जो हमने फॉर्म पढ़ी है उससे क्या लेना देना है, उससे ही लेना देना है भाई, अगर हम ध्यान से सोचें तो इसका लेना देना उससे ही है। अब देखो रूट ऑफ टेन एक्स डी एक्स में अभी कुछ सोच में नहीं आता कि क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए, लेकिन चलो धीरे धीरे सोचते हैं। ऐसा करते हैं टेन एक्स को हम टी पुट कर देते हैं, रूट ऑफ टेन एक्स को टी, या टेन एक्स को टी स्क्वायर पुट कर देते हैं। फिर टेन एक्स को मैंने क्या पुट कर दिया, टी स्क्वायर। अब टेन एक्स को टी स्क्वायर पुट कर दिया तो टेन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, सेक स्क्वायर एक्स टी एक्स, और ये क्या होगा टू टी डी टी। ठीक, अब यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स, और टेन एक्स स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ वन प्लस टी की पावर फोर हो जाएगा ये भाई। जैसे सेक स्क्वायर एक्स को मैं वापस बता देता हूँ, सेक स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स, और टेन एक्स को लिखा टी स्क्वायर, तो ये हो गया वन प्लस टी की पावर फोर डी एक्स इज इक्वल टू टू टी डी टी, और ये नीचे चला गया। तो डी एक्स की जगह बच्चों हमारे पास क्या आ रहा है, टू टी डी टी अपॉन वन प्लस टी की पावर फोर, या टी की पावर फोर प्लस वन, टी की पावर फोर प्लस वन। अब ये जो रूट टेन एक्स है इसकी जगह भी तो टी आएगा, तो यहाँ पे टी एक और आएगा, तो ये हो जाएगा टू टी स्क्वायर। देखिए कुछ चमकी वैसी फॉर्म अपनी जो बाई क्वाड्रेटिक वाले हम पढ़ रहे हैं, कुछ उसी तरह की फॉर्म आ गई कि टू टी स्क्वायर। अब आपको कहोगे सर ऊपर प्लस माइनस वन चाहिए था, तो सही बात है, तो उस टू टी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर माइनस वन। ठीक, वन वन कट जाएगा टू टी स्क्वायर आ जाएगा, अपॉन टी की पावर फोर प्लस वन, और यहाँ पे भी टी की पावर फोर प्लस वन डी टी, और ये भी डी टी। देखो अब इसको करने के लिए भाई इसको हम टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो वन प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर, ठीक, और ये क्या होगा टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर इंटीग्रेशन डी टी, और ये क्या होगा वन माइनस वन अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर प्लस वन अपॉन टी स्क्वायर। थोड़ी स्पीड मैंने बढ़ा ली है, थोड़ी स्पीड बढ़ा ली है, क्योंकि इस तरह के इंटीग्रेशन मैं अभी करके बता ही रहा हूँ आपको। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, टी माइनस वन अपॉन टी को जेड मान लेंगे, तो ये ऊपर क्या होगा डी जेड, और नीचे क्या होगा जेड स्क्वायर प्लस टू। तो इसका हम कर सकते हैं, यहाँ पे हम क्या करेंगे t प्लस वन अपॉन टी को y मान लेंगे, तो ऊपर क्या हो जाएगा डी वाई, और नीचे क्या हो जाएगा अपने पास वाई स्क्वायर माइनस टू। ठीक, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये रूट टेन एक्स, ये जो बोर्ड के लिए भौकाली क्वेश्चन था वो हम फोड़ देंगे, सही बात। तो अगर कोई बोर्ड लेवल का बच्चा कह रहा है कि रूट टेन एक्स करके बताओ, तो उसे मेरा वीडियो दिखा देना कि ये ले इतना लड्डू क्वेश्चन है ये, सही बात। तो ये हमारे पास बच्चों किस टाइप के इंटीग्रेशन थे, बाई क्वाड्रेटिक, जब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या हो बाई क्वाड्रेटिक, तो उस तरीके के इंटीग्रेशन को हम कैसे करते हैं। इसमें मैंने तरह तरह के क्वेश्चंस लिए हैं, इन तरह तरह के क्वेश्चन से सारी वैरायटी अपनी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है बाई क्वाड्रेटिक की, और भी वैरायटी बना सकते हैं लेकिन बेसिक थीम हमारे पास यही है। उम्मीद करता हूँ ये फॉर्म आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी, आप और प्रैक्टिस करो इसकी, जितनी प्रैक्टिस करोगे ये फॉर्म उतनी अच्छी स्मूथ आपकी होती जाएंगी। थैंक यू वेरी मच।